जग रे जग रे जग जग रे जग रे जग सारा विश्व जगाना है, घर घर जाके गुरुवर का ये शुभ संदेश सुनाना है। याद रखे इतिहास जिसे हो, याद रखे इतिहास जिसे एक ऐसा पर्व मनाना है। जग रे जग रे जग जग रे जग रे जग सारा विश्व जगाना है, घर घर जाके गुरुवर का ये शुभ संदेश सुनाना है। अच्छा विद्यार्थियों, कल अपने माता पिता को पूजन के लिए जरूर ले आना, साथ में लाना आरती की थाली, थोड़ा सा कुमकुम, चावल, आरती का दिया, तेल, बाती, दो हार, थोड़े से फूल और मिठाई। जगुरे जगुरे जगु जगुरे जगुरे जगु सारा विश्व जगाना है, घर घर जाके गुरुवर का ये शुभ संदेश सुनाना है। याद रखे इतिहास जिसे हो, याद रखे इतिहास जिसे एक ऐसा पर्व मनाना है। जगुरे जगुरे जगु जगुरे जगुरे जगु सारा विश्व जगाना है, घर घर जाके गुरुवर का ये शुभ संदेश सुनाना है। अच्छा बच्चों, अब हम हरिओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। हरि कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। मात पिता और सतगुरु से नहीं कोई भी ऊंचा स्थान। माता पिता और सतगुरु की तुलना हम इस सृष्टि में किसी से नहीं कर सकते हैं। कहते हैं ईश्वर हर घर में अवतरित नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने माता पिता की रचना की। बच्चों के लिए पिता नदी है तो माता उनके लिए शीतलता है। बच्चों, अगर हम अपनी खाल के जूते बनवाकर अपने माता पिता को भी पहनाएं ना, तो तब भी हम उनका एहसान नहीं चुका सकेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं हमारे परम पूज्य बापूजी हमारी माता पिता की महिमा के बारे में। सब मिलेगा लेकिन माँ बाप नहीं मिलेंगे। कितना कष्ट सहकर जननी ने हमें जन्म दिया है और पिता ने कितनी तकलीफें उठाकर हमें पाला पोषा पढ़ाया लिखाया। अब उनसे मुंह मोड़कर युवक युवती आई लव यू करके एक दूसरे को फूल दें, एक दूसरे को काम की नज़र से देखें तो जीवनी शक्ति का ह्रास होता है, दिल दिमाग कमजोर हो जाएगा, संतान कमजोर आएगी। ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है, पाश्चात्य कल्चर है। तो वैलेंटाइन डे ये करके पाश्चात्य गंदगी हमारे हिंदुस्तान को तोड़ रही है। तो मैं उनका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मैं उनका भी भला चाहता हूं कि वैलेंटाइन डे
के बदले 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाओ। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प करते हैं कि हम अपने माता पिता के बलिदान को यूं व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमारे संत शास्त्रों पर पूरी श्रद्धा रखते हुए, हमारे पूज्य बापू जी के बताए रास्तों पर चलते हुए, हम अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करते रहेंगे और हर वर्ष 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में एक निस्वार्थ प्रेम दिवस मनाएंगे, क्योंकि प्रेम तो पवित्र होता है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले अपने माता पिता को स्वच्छ तथा ऊंचे आसन पर बिठाएं। आसने स्थापिते अत्र पूजार्थं भवतोरिह भवन्तौ संस्थितौ तातौ पूर्यतां मे मनोरथ। हे मेरे पूज्य माता पिता श्री, आप इस आसन पर बैठिए, मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ, आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। बच्चों, अब अपने माता पिता के माथे पर कुमकुम का तिलक लगाइए। ओम स्वस्ति नो इंद्रो बृहस्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न सारिक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। पूजन करूं मैं मात पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चल सफल बनाऊं मैं। सभी बच्चे अपने माता पिता के सर पर पुष्प और अक्षत यानी चावल चढ़ाएंगे। तिलक लगाऊं, हार पहनाऊं, तिलक लगाऊं, हार पहनाऊं, मेरी प्यारी मैया को दीप जलाऊं। हे भारत के नौनिहालों, क्या आपको पता है भगवान श्री गणेश जी ने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा कर उनका पूजन किया था? ऐसा करने से उन्होंने अपने माता पिता से वरदान पाया, आशीर्वाद पाया कि सर्वप्रथम वह पूजनीय हो, वंदनीय हो। और हाँ, ऐसा हुआ भी तो आओ आज हम भी अपने माता पिता की इसी तरह सात परिक्रमा करेंगे। यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणः पदे पदे। इसके बाद सभी बच्चे अपने माता पिता को विधिवत झुककर प्रणाम करेंगे। जो बच्चे हैं वो चरण स्पर्श करेंगे और जो बेटियां हैं वो प्रणाम करेंगी। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। ओम जय जय मात पिता, प्रभु गुरु जी मात पिता, सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा, मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मा।
जो है दिया, कैसे ऋण मैं चुकाऊं, कैसे ऋण मैं चुकाऊं, कुछ ना समझ आता। अब माता पिता अपने बच्चों को भाव विभोर होकर तिलक करेंगे। अब माता पिता स्नेहपूर्वक अपने बच्चों के सिर पर पुष्प और अक्षत रखेंगे। अब माता पिता अपने गले की फूलमाला निकालकर अपने प्यारे बच्चों को पहना देंगे, मानो ऐसे जैसे कि अपने जीवन की सारी दुआ और सारी खुशियां उनके गले में डाल रहे हो। अब माता पिता अपने बच्चे के सिर पर हाथ घुमाएंगे, उन्हें शुभ आशीष देंगे, उन्हें प्यार से सहलाएंगे। अब बच्चे अपने माता पिता के गले लगो। यही है सच्चा प्रेम दिवस। परम पूज्य बापूजी द्वारा शुरू किया गया मातृ पितृ पूजन दिवस। हरिओम जी। हरिओम। कैसे हैं? बस हम ठीक है, आप सब कैसे हैं? बढ़िया। आइए बैठिए। हाँ जी। हाँ करुणा बहन, अब आप भी सेवा साधना बैठक में आना शुरू कर दीजिए और घर में बाल संस्कार केंद्र खुलवाना मत भूलिएगा। और हाँ, मातृ पितृ पूजन का शिक्षक बनने का संकल्प आप भी कर लीजिए। जी बिल्कुल, ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा अगर मैं इस दिव्य सेवा कार्य से जुड़ पाऊँ। जी बिल्कुल। और हाँ, ये आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। हाँ, ये लीजिए पेन। और ये लीजिए सीडी, इसमें ना मातृ पितृ पूजन की सारी विधि विधान है और मूल्य सिर्फ 30 रुपए। ये लीजिए।
अच्छी है। धन्यवाद, हरिओम। और जो भी मैंने आपसे कहा है उस बात पर गौर करिएगा और भी साधकों को अपने साथ इस अभियान में जोड़ने की कोशिश करिएगा। घर बैठे इस विश्वव्यापी अभियान से जुड़ने का सुनहरा अवसर, तो आप भी बनिए संस्कृत सैनिक, यानी तुलसी पूजन और मातृ पितृ पूजन शिक्षक। कुछ ध्यान देने योग्य बातें। प्रधानाचार्य से कार्यक्रम से पहले अनुमति ले लें। कार्यक्रम के लिए निम्न सामग्री साथ लेकर जाएं: पूज्य श्री और श्री गणेश जी की फोटो फ्रेम, व्यासपीठ पर रखने के लिए दिए आदि सामग्री, पीछे लगाने वाला पर्दा व बैनर, टेबल पर बिछाने वाला कपड़ा अथवा चादर, स्ट्रेंजर अथवा कोई दूसरा एम्पली स्पीकर, माइक स्टैंड आदि, मोबाइल अथवा पेन ड्राइव में म्यूजिक ट्रैक्स, प्राचार्य हेतु भेंट, कुछ थालियां, हार, तेल आदि पूजन सामग्री। विद्यालय में समय से पूर्व पहुंचकर सभी तैयारियां कर लें। कार्यक्रम के बाद प्राचार्य को धन्यवाद देकर उनसे विद्यालय लेटर पैड पर अभिप्राय पत्र व उनका इंटरव्यू बाइट भी ले लें। समाचार पत्र और केबल टीवी आदि में कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करें। इस तरह सेवाधारी अलग अलग समूह बनाकर विद्यालयों, महाविद्यालयों, सोसाइटियों आदि में पूजन कार्यक्रम कर सकते हैं। गुरुचरणों में यही प्रार्थना है कि सेवा का सौभाग्य हम सबको मिलता रहे। पूज्य बापूजी के इस विश्व गुरु भारत अभियान में एक हिस्सा बनकर हम भी अपना जीवन धन्य बनाएं। पूजन शिक्षक की सेवा आपको कैसे करनी है, इस डीवीडी को देखकर आप समझ गए होंगे। तो आप भी बनिए एक तुलसी पूजन व मातृ पितृ पूजन शिक्षक, यानी कि एक संस्कृति सैनिक।